मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं अपने घर से ही ब्लॉग बनाने वाला हूँ। पीछे चादर हटा रखी है अभी, इसलिए ऐसा लग रहा है धुंध गुड़ा। तो अभी तो फिलहाल बज रहे सुबह के हो रहे हैं 7:30 और आज वीकेंड है, वीकेंड में छुट्टी रहती है अपनी। तो रही बात सबसे पहले करना है अपना छत पे सफाई, थोड़ी सी छत पे बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो जाती है, तो उसको थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करना है और फिर गमलों को पानी भी देना है। और करते हैं फिर वो काम और फिर दिखाते हैं आपको आज का पूरे दिन का अपना रूटीन कैसे रहने वाला है। चलिए फिर चलते हैं छत पे। तो आज सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम किया है, छत पे दिए पौधों को पानी। और ये काम का पेड़ है, ये पहले लगाया गया था, और ये जो लगाया है ये वाला, ये हाल ही में लगाया है मैंने। अभी गांव से हम आए थे तब आम लेके आए थे ना, तो उसका लगा दिए। गांव का आम है ये, है तो मेरे, ये तो दिल्ली का ये शायद। ये आम का पेड़ है, यहाँ बैंगन लगे हुए हैं, और ये वो अपराजिता क्या होता है वो ब्लू वाला ये, और यहाँ पे है अपनी बेलपत्री, साथ में अपना धनिया और भी बहुत सी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं। यहाँ पे है करेला, और ये भी हाल ही में लगाया है, ये दिख रही ना बेल छोटी सी। और ये नींबू है, ये पता नहीं गर है कुछ ऐसे ही है। तो ये आज अपनी छत की मैंने कहा थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दें, और अभी पानी दिया है, थोड़े सूख रहे थे बेचारे तो पानी दे दिया है। तो गमलों को तो पानी दे दिया है, और ये देखो ये होता है अपरजिता का फूल ब्लू कलर का। अब चलते हैं नीचे, और आज हम बनाने वाले हैं देसी घी, जो जैसे गांव में बनाते हैं ना पहले के ज़माने में मक्खन से घोल के, उस तरीके से। चलिए फिर बना दिखाता हूँ आपको। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ देसी तरीके से मक्खन किस तरह बनाया जाता है, मक्खन बोलो या फिर घी बोलो। ये थोड़ी सी सॉरी कम हुई है मिलाई, अदरवाइज़ ज़्यादा हो जाती है तो बढ़िया बनता है। इसको घुमाया जाता है मधानी की तरह, इस मधानी होती है ये, और इसको दोनों हाथ से घुमाते हैं। एक मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअली जो दूध लेते हैं उसकी जो मिलाई निकलती है ये उससे बनाया जाता है। इस बार थोड़ी सी कम हुई है इसलिए अभी ये कम लग रहा है, बट हमने कहा चलो बना ही देते हैं, अब इतना भी हो ही गया तो, वरना अदरवाइज़ वरना ख़राब वराब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी में थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। इसको भी दोनों हाथ से घुमाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इससे मक्खन भी बन जाता है और इसका घी भी बना लेते हैं। तो जो जैसे जो वाइट मक्खन होता है जो कान्हू जी वगैरह को लगाया जाता है वो भी बन जाता है, और अपना घी भी बन जाता है इससे। जिस तरह वो पहले के ज़माने में गाँव में करते थे ना, मटकी में डाल के मधानी में डाल के रस्सी बांध के, बस वही तरीका है, बट ये है कि अब ये इससे करेंगे। अब इसको पिघला देंगे, ये बन जाएगा देसी घी। इसमें ठंडा पानी मिलाया गया और ये इस तरीके से निकल आया है। क्या हुई है ये लोहे की है, आयरन। इसको पिघलाएंगे उसके बाद बन जाएगा घी, देसी घी। ये येलो येलो इसलिए बना है क्योंकि ये गाय के दूध का है, भैंस के दूध का होगा तो वाइट बनेगा। ये इस तरह से बन जाता है घी, ये इस तरह बन गया देसी घी। ये बन गया देसी घी, देखो थोड़ा बना है सॉरी, पर कितना भी है बहुत है, ये देसी घी बन गया। बारिश का मौसम बना है बट हो नहीं रही है, ये काले काले बादल। बारिश में मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहा है, करके दिखाओ डांस, ये थोड़ी थोड़ी बारिश करो डांस। ये क्या गिटार बजा रहे हो, गिटार गिटार बजा रहे हो, ये कमीज भी खोल दो, हाँ खोल दो, नहाना है ना, हाँ करो यो यो करो। अब अच्छा वो पोएम सुना दो अपनी अपनी, कौन सी पोएम करना नहीं है उस दिन। अब हुई है जोर से, नहालो नहालो, ओ
चलो फाइनली दिल्ली में भी बारिश आई गई। नहा लो फटाफट से अपने एरिया में। ये दोनों बन गए सलमान खान, ये दोनों बन गए सलमान खान। इनके अभी नहीं आए। ये आरफ का है, ये कुकू का है, ये अदबिक का है, ये हितांश का है। एक्चुअली 31 तारीख को परसों इनका जो है मतलब वो है कोई कंपटीशन है स्कूल में दोनों बच्चों का, तो उसने टाइगर पे पोएम बोलनी है और उसने एलिफेंट पे पोएम बोलनी है। और मेरे ख्याल उस दिन वो है टाइगर डे है, तो उसके लिए उनको बोला गया ये प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये उनके लिए बनाया गया है। ये पर फेस पे लगाएंगे, फेस पे मतलब कि हेड पे लगाया जाएगा और फिर उनसे वह पोएम बुलाएंगे। मस्त लग रहे ना ड्राइंग। जस्ट अभी ऊपर से नहा के आए हैं बच्चे लोग, मजा आया नहाने में बारिश में। तो ये कुकू, आरव और बिहू नहाए ना बारिश में, थोड़ी देर बारिश हुई थी उसमें नहा लिया आज। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।